बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट प्री डिटरमिंड ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, मतलब OAR कैलकुलेट करके देना। फिर कंप्यूट टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG 011, मतलब हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट भी बतानी है। अगर ये स्टार्ट वाली बात ना भी होती ना कि कंप्यूट टोटल कॉस्ट, तब भी हम लोग यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए पहले टोटल कॉस्ट ही फाइंड करते, फिर जाकर पर यूनिट कॉस्ट हम लोग डिटरमिन कर सकते थे। क्या डाटा गिवन है? हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड यूजेस बजटेड ओवरहेड रेट फॉर अप्लाइंग ओवरहेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस फॉर डिपार्टमेंट है, ऑन अ मशीन और बेसिस इन डिपार्टमेंट बी। ये ओवरहेड OAR को कैलकुलेट करने के लिए बेस बताई गई है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स देखने हैं कि वो कितने बनेंगे। उसके बाद जो बेस कंसीडर करनी है डिपार्टमेंट ए के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डिपार्टमेंट बी के लिए मशीन और। फिर कहते हैं कंपनी मेड द फॉलोइंग 4 कॉस्ट फॉर द अगस्त 2006 बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बजटेड मशीन आवर्स, डिपार्टमेंट ए एंड बी दोनों के लिए आपको बता दिए। कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ 50 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन जॉब नंबर CNG 011। द जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ डिपिक्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो मटेरियल यूज किया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आई ईच डिपार्टमेंट एंड मशीन और इन एक्चुअल कितने लगे, उसके बारे में हमें बता दिया। ऊपर डाटा बजटेड का, नीचे हमारे पास डाटा एक्चुअल फॉर्म में मौजूद है। फिर कहते हैं एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ वर एज फॉलोज, फैक्ट्री ओवरहेड इन एक्चुअल ये वाले आए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये लगी इन एक्चुअल, मशीन और हमारे पास ये आ गए। अब सबसे पहली चीज हम लोगों ने उसे बतानी थी OAR। OAR कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी? अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जाएं तो हर डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड, और वो आप लोगों को यहां से मिल गए फॉर डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। अच्छा, अब दूसरी चीज है इसकी बेस। अगर डिपार्टमेंट ए की बात करें तो डिपार्टमेंट ए की बेस क्या आ रही थी हमारे पास? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और यहां पर और वो भी बजटेड लेंगे। OAR की कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही बजटेड एस्टिमेटेड होते हैं। अब हमने क्या करना है, अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड कर देना है लेबर कॉस्ट के साथ। जब हम लोग कॉस्ट के साथ OAR कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर परसेंटेज की फॉर्म में होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 112.5%। मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 112.5% आप लोगों ने FOH कंसीडर करने हैं। बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट के लिए देखें तो डिपार्टमेंट बी के लिए जो OAR कैलकुलेट करना है वो 225 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन और, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 222.5 पर मशीन ऑफ। ऑलराइट, ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो चुका है। अब यहां पर आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है कि इन्होंने इसको 125% ऑफ लेबर कॉस्ट कर दिया। ये बेसिकली 125% नहीं है, ये है 112.5%, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। बात क्लियर? अच्छा, सेकंड के लिए जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिटरमिन करना है, टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? उसमें मटेरियल भी शामिल है, उसमें लेबर भी शामिल है, और उसमें आपके FOH भी शामिल है, लेकिन एक्चुअल। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां से देखो एक्चुअल, यहां पर आपको पता चल गया आप लोगों के पास मटेरियल कितना यूज हो रहा है। मटेरियल इशूड 1500 एंड 2250, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1800 एंड 1250, ये आप लोग लेकर आए यहां पर।
ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, क्लियर है ये। अच्छा अब FOH की बात करें, तो FOH के लिए अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट ए के FOH को किस तरह से डिटरमिन करना है, डिपार्टमेंट ए के FOH को कैसे डिटरमिन करना है, तो हम लोगों ने कहा ओ ए आर। इसका ओ ए आर, डिपार्टमेंट ए का ओ ए आर क्या था हमारे पास, 112.5% ऑफ लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी है, तो हम लोग यहां पर इसको डिटरमिन करने के लिए करेंगे 1800 मल्टीप्लाइड बाय 112.5%। वैल्यू क्या आएगी आपके पास इस तरह से, 2025। तो ये वाली वैल्यू गलत है, इसको जरा ठीक कर लें। यहां पर अपने पास लिखें 2025, ओके। अच्छा अब जरा बात सुनिएगा, उन्होंने क्या किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने रेट गलत फाइंड किया था 125%, तो उन्होंने ना 1800 का 125% ले लिया। जरा चेक करो 1800 का 125%, 2250। तो ये देखो उन्होंने वो 125% के मुताबिक ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। जब रेट गलत था तो ये वैल्यू भी गलत हो गई। अब हम लोग इसको करेक्ट रेट के मुताबिक लिखें तो ये वैल्यू आएगी 2025। समझ नहीं आई? अच्छा फिर दूसरे, अगर डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड की बात करें तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था, ओ ए आर कितना है, 22.5। ये ओ ए आर की वैल्यू है हमारे पास। अब क्या करना है, 22.5 पर मशीन। और अब हम लोगों ने जब एफ ओ एच यहां पर लिखने होते हैं ना, तो वो मशीन और हम लोग देखेंगे एक्चुअल वाले, तो एक्चुअल हमारे पास मशीन आवर्स कितने लगे, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, 33। अब ये वाली वैल्यू सही थी, लेकिन ये आई कैसे यहां पर ना, ये जरा कैलकुलेशन लिख लो अपने पास। अब स्टडी टेक्स्ट में क्या लिखोगे, यहां पर 150 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, तो आंसर आ गया 3375। क्लियर है ये बात? अच्छा अब इनको जैसे ही ऐड करोगे तो अब ये टोटल भी जरा गलत हो चुका होगा। यहाँ पे देखो 1500 प्लस 1800 प्लस 2025 एंड द आंसर इज 5325। बी वाला बिल्कुल ठीक होगा, 6875। और हम लोगों ने टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, 50 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो पर यूनिट कॉस्ट बताने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 50। अब डिपार्टमेंटल वाइज भी हम उसे बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही है 111। हम लोगों ने बता, अगर आप इसको ए कर दो इसको बी कर दो, तो यहां पर आप बता सकते हो कि ए डिवाइडेड बाय बी। आप इसको यूं भी बता सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से लिखें, तो ये अच्छी खासी स्पेस ले लेता है। आप इसको नेम कर दो कि टोटल कॉस्ट का हम इसको ये कहते हैं, इसको बी, तो ये पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, जब ए को डिवाइड कर देंगे बी के साथ, तो आपके पास डिपार्टमेंट ए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 111। सॉरी ये गलत हो गई क्योंकि टोटल गलत थी, तो ये 106.5। डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट आ रही है 137.5, तो आपका ये टोटल भी गलत हो रहा है, तो आपने इस अपने टोटल को भी ठीक कर लेना। यहां पर टोटल कितना बनेगा, ये 5400। हाँ जी, यहाँ पे 12200 डिवाइडेड बाय 50, तो 244। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, कोई डाउट? 50 ये वाला 150 ये यहां से आया है, डिपार्टमेंट बी के लिए हम लोगों ने जो बेस बनाई थी वो मशीन आवर्स को बनाया था, तो एक्चुअल मशीन आवर यहां से पिक की है, मल्टीप्लाइड बाय ओ ए आर जो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट किया। ओके हो गई बात, किसी को डाउट? चलें गुड। अच्छा अब यहां पे जरा देखें, अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब को कैसे फाइंड करें। इसके साथ बेसिकली पॉइंट सी भी है जो कि यहां पर इन्होंने स्किप कर दिया,
और वो है कि हमने अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के बारे में बताना है। अब अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जब आपने बताने हो तो आपको दो चीजें चाहिए, कौन सी? एक्चुअल ओवरहेड एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो एक्चुअल ओवरहेड भाई क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को, ये देखें, ये उसने कहा था एक्चुअल डाटा फैक्ट्री ए के लिए, सॉरी डिपार्टमेंट ए के लिए एक्चुअल और बी के लिए 207,000। इसी जाकर आप अपने पास लिख लो कि भाई ये मेरे पास है एक्चुअल। अब बात करेंगे हम लोग कि हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या अप्लाइड ओवरहेड कैसे आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने एक्टिविटी लेवल इन एक्चुअल, मतलब जो बेस आपने कंसीडर की हुई है एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय प्री डिटरमिंड ओएआर, तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएंगे। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेबर कॉस्ट यहाँ से लेंगे टू टू लेबर कॉस्ट एक्चुअल वाली, ये आ गई एक्चुअल वाली लेबर कॉस्ट, इसका 112.5% देखें। फिर अच्छा ये देखिए, अब रेट गलत था तो यहां पर ये वाली वैल्यू भी गलत आई होती है, तो हम लोग इसको करेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी मल्टीप्लाइड बाय रेट 0.5%, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 249,750। ये बात समझ आ गई है? जी सर, ये बात नहीं समझ आई? हम लोग डिपार्टमेंट ए के लिए ओ ए आर क्या कंसिडर कर रहे हैं, ओ ए आर क्या आ रहा है डिपार्टमेंट ए का हमारे पास, 5% ऑफ ऑफ लेबर, आगे भी तो बोलो ना, लेबर और भी तो हो सकती है ना, तो टोटल बोलो ना, 112.5% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो हम लोगों ने देखा है कि इन एक्चुअल मेरे पास लेबर कॉस्ट कितनी आई, ये देखो इन एक्चुअल मेरे पास लेबर कॉस्ट कितनी आई। अब अगर इसके मुताबिक चलूं तो मैं कितने जाके एब्जॉर्ब कर दूंगा ओवरहेड, तो उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितने जाके हम लोगों ने ओवरहेड एब्जॉर्ब किए, ओके ये 249,750। अब अच्छा फिर से देखो, डिपार्टमेंट बी की बात करें तो हमारे पास बेस क्या थी, मशीन ऑफ, और ओएआर क्या आ रहा था, 22.5 पर मशीन और, लेकिन कौन से मशीन और से लेंगे हम लोग, ये एक्चुअल वाले। ओके तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, तो वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप नीचे जाके जरा लिख लीजिएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 22.5, तो आपके पास ये एब्जॉर्ब आ गए। अब यहां पर देखना है आप लोगों ने इनका डिफरेंस एक्चुअल और एब्जॉर्ब का। एक्चुअल 240 हुए, मैंने कितने चार्ज किए, 249, तो मैंने ज्यादा चार्ज कर दिए, ओवर एब्जॉर्ब हो गए कितने, 97। ये ओवर एब्जॉर्ब हैं, ओवर है तो नेगेटिव में लिख, ये देखो ओवर एब्जॉर्ब को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर देखो 207 इन एक्चुअल हुए, लेकिन मैंने अभी तक कितने चार्ज किए, 2 और 2.5, तो मेरे पास यहां पर अंडर एब्जॉर्ड आ रहे हैं कितना, और अंडर एब्जॉर्ड होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे इसको। अब बात क्लियर? ओके एग्जाम्पल नंबर 4 में किसी को कोई इशू? हाँ जी, ऑल क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5, ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर सॉल्व की थी, थोड़ी बहुत इसकी डिस्कशन की जरूरत होगी, अदरवाइज मोस्टली आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। जितने भी आप लोगों के पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो उसने आपको यहाँ पे बता दिए, सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर वाला डाटा कभी कभी बड़ा यूजफुल हो जाता है हमारे लिए, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिल जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम ये इरेलीवेंट हो, मोस्टली टाइम इरेलीवेंट भी होता है, लेकिन कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि
ब्राइट लिमिट इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स, और दो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, शाइन एंड ग्लो। बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू टू डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से, ए एंड बी। व्हाइल डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई प्रोवाइड्स सर्विसेज, अब दो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए और दो हमारे पास सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गए। टू बोथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिलो इज अ समरी ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय बीएल फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ 100,000 यूनिट्स ऑफ शाइन एंड 60,000 यूनिट्स ऑफ ग्लो ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का पता हमें इस डाटा से चला है कि हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चर किए। तो शाइन के लिए 100,000, ग्लो के 60,000, टोटल 160,000। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है वो सारी उसने हमें बता दी। अब हम लोग ने देखना है कि हमने इनको अपोर्शनमेंट किस तरह से करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे या सर्विस डिपार्टमेंट में जाएंगे या दोनों में जाएंगे और किस हिसाब से जाएंगे। उसके लिए कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फोर डिपार्टमेंट्स इज गिवन बिलो। कहते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी, वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी में, और टोटल उसने आपको साथ में बता दिया। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कहां पर यूज कर सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए बेस किसको बना सकते हो, कॉस्ट ऑफ मशीनरी को। इसी तरह से अगर देखें फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया चारों के ऊपर जा रहा है, फ्लोर एरिया के लिए कौन सी चीज आ सकती है, बिल्डिंग इंश्योरेंस फ्लोर एरिया के ऊपर जा सकती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे मोस्टली फ्लोर एरिया के ऊपर जा सकती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सैलरीज एंड वेजेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर जाएंगे। एंड सर्विस, अब देखिए सारे ये पूरे हो गए ना, सैलरीज एंड वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए फ्लोर एरिया। ऑलराइट, ये चीज सबसे पहले आप लोगों ने डिटरमिन करनी है कि बेस कौन सी बनाएंगे। फिर यहां पर देखिए उन्होंने कहा डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई, ये तो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है और ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट वाई है वो सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं सर्विसेज दे रहा, वो साथ में एक सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी किस्म की कोई सर्विसेज ले नहीं रहा। अब जहां पर आप लोगों ने सोचना है कि पहले आप लोग डिपार्टमेंट एक्स के FOH को एलोकेट करोगे या डिपार्टमेंट वाई के, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग देखो कि भाई डिपार्टमेंट वाई एक्स को सर्विसेज दे रहा है तो पहले वाई को करोगे। एक्स ने वाई से अपना शेयर लेना है, उसके बाद उसको एक्युमुलेट करेगा और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। तो अब यहां पर आप एक्स को पहले नहीं कर सकते, आप लोगों ने यहां पर पहले किसको सॉल्व करना है, डिपार्टमेंट वाई को। ये बात समझ आई है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज्ड बाय द बीएल फॉर एलोकेशन ऑफ शाइन एंड ग्लो और ₹1800 ₹1700 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, ओ ए आर उसने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि हमारे पास ओ ए आर की वैल्यूज क्या हैं। हम लोगों ने शाइन के लिए 18, उसने जो ओ ए आर कैलकुलेट किया है ना वो डिपार्टमेंटल नहीं है, वो प्रोडक्ट वाइज कि आपने प्रोडक्ट्स को कितना कितना जाके एलोकेट करना है, उसके लिए उसने बता दिया 1800 1700 पर यूनिट, और उसके लिए बेस भी उसने नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाया है। कहते हैं एनी अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड और एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब प्रोडक्शन में नहीं लेकर आना। ओके, अच्छा अब क्या चीज हमने उसको बतानी है, सबसे पहले कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर शाइन एंड ग्लो। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रोडक्ट के एफओएच फाइंड करने हैं, आपने प्रोडक्ट सबसे पहले डिपार्टमेंटल एफओएच फाइंड करोगे। हम यहां पे देखें प्रोडक्ट वाइज तो उस टाइम पे आएंगे ना जब पहले डिपार्टमेंट्स का पता हो, जब डिपार्टमेंट्स के एफओएच का पता चल जाए उनको एलोकेट करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपको दो शीट्स बनानी पड़ती है, सबसे पहली शीट बनेगी आपके डिपार्टमेंट्स के ऊपर जैसे आप लोग पहले करते रहे, जब डिपार्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तब दूसरी शीट आपके पास बनेगी आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, जब वो कर लेंगे उसके बाद अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन हम लोग बाद में देख लेते हैं। अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही शीट बनानी है, अपने पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बिल्डिंग
सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, वाई टोटल, साथ में हम लोग बेस वगैरह बना लेंगे कुछ इस तरह से। ऑलराइट अच्छा अब यहां पर देखें कौन कौन से हमारे पास हेड आ रहे थे आइटम्स, इन चारों के लिए इनके बेसिस लिख लें और इनके टोटल ओवरहेड जिस तरह क्वेश्चन में गिवन थे एज इट इज हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर दिया। ये फर्स्ट थ्री कॉलम्स आप लोगों को समझ आ चुके हैं, ओके हो गया। अब 115,000 को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो आप लोग करोगे 115,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यहां पर देखें 150 डिवाइडेड बाय, अब इन सब का सम करें तो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बन रहे हैं वो 450। टोटल हाँ ठीक है चलें ये टोटल, हाँ सही ओके हो गया 250 टोटल। तो अब हम लोगों ने करना है 150 डिवाइडेड बाय 250 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 115,000, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के लिए क्लियर। अच्छा जब बी के लिए जाएंगे तो फिर 50 बाय 250 एंड मल्टीप्लाइड बाय 115,000 और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई के लिए, ये बात क्लियर। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी के मुताबिक चली जाएगी, टोटल 80,000 की है उसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ मशीनरी कर लोगे, ये बिल्डिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी ये आप लोग कर लोगे, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। अच्छा इसके बाद ना जैसे ही ये तमाम पर आपके डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दो, सर्विस डिपार्टमेंट को भी खत्म करना होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के एफओएच को आप लोगों ने जीरो करना होता है। उसके लिए अब आपने देखना है कि किस तरह से जाना है, तो सबसे पहले एलोकेट करेंगे वाई को ऑन द बेसिस ऑफ, अब उसने परसेंटेजेस बता दी कि 75 15 एंड 10%, तो जैसे ही एलोकेट किया ये वाली वैल्यूज आपको मिल गई। अब एक्स के पास जाएंगे, अब एक्स के टोटल देखो 28,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 30,500, इसको एलोकेट करोगे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ 80 एंड 20%, तो ये आपके पास आ गए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स ये टोटल बन, ये बात क्लियर। अब देखो आपके पास स्टार्ट में अगर आप लोग चेक करो आपके पास टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही थी, अभी भी 280 ही है, लेकिन सिर्फ ये जो मेहनत की है हम लोगों ने इस बात पे की है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी इन दोनों के कितने कितने एफएच बने तो उसका हमें पता चलते हैं, बात क्लियर कोई इशू। अच्छा अब आप लोगों ने आना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, जब आप लोगों के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स खत्म हो जाएं तब आना है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब प्रोडक्ट्स को जाके लिखोगे, दो ही प्रोडक्ट्स हैं आपके पास कौन कौन सी, और ये टोटल लिख दिया, इसके लिए बेस किसको बनाना है, तो उसने कहा नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाना, तो हम लोगों ने साथ ही लिख दिया कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। ऑलराइट अब देखिए अगर शाइन की बात करें, इसने डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स भी अपने पास लेकर आने हैं और डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स भी लेकर आने हैं, मतलब शाइन ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं बन रही, वो दोनों डिपार्टमेंट की मदद से बन रही है, तो फिर दोनों के ओवरहेड्स में अपना अपना शेयर लेगी, ऐसे ही है ना। ग्लो ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि भाई डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों के ओवरहेड में से अपना अपना शेयर लेना है। अब हमने देखना है इन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को एलोकेट करना है हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स को, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इससे पहले आप लोग लिख रहे होते थे अपने पास ये चीज सैलरीज एंड वेजेस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी, अब आप लोगों ने क्या लिख देने हैं डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट टोटल के कॉलम में इनके अपने ओवरहेड जाके लिख दो जो अभी आप लोगों ने फाइंड किए, यही वैल्यूज टोटल के कॉलम में आ गए। ओके ओके कोई इशू। अच्छा अब आ जाओ इनको एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, तो ये देखें 200 900 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 डिवाइडेड बाय 160,
तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, ये आ गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, बात क्लियर। तो जब इसके लिए करने लगोगे तो 60 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर। और डिपार्टमेंट बी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, 100 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 79 100, तो शेयर कितना बनेगा, 49437, और यहां से 29663। ओके हो गई बात। तो हर अब शाइन के ऊपर कितने एफ ओ एच बढ़ेंगे और ग्लो के कितने एफ ओ एच बढ़ेंगे, अभी भी टोटल एफ ओ एच आपके वही है 280। सिर्फ यह है कि सबसे पहले आप लोगों ने इनको टोटल के फॉर्म में देखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपने इनको डिपार्टमेंटल वाइज एलोकेट किया, फिर डिपार्टमेंट से आकर आप लोगों ने इनको प्रोडक्ट वाइज एलोकेट किया। बात क्लियर, यस सर। कोई इशू? अच्छा जी, अब बात आती है हमारे पास अंडर हेड ओवर एब्जॉर्ब ओवर हेड की। तो अगर आप लोग यहां पे देखें भाई, आपको दो चीजों की जरूरत थी, एक्चुअल की और अब देखें यहां तक तो एक्चुअल जो अपने ओवर हेड हो रहे थे 280 के, अभी तक उन्हीं की हम लोगों ने एलोकेशन देखी है, ऐसे ही है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स के एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 175,000 एंड 105,000। एब्जॉर्ब्ड कैसे आते हैं, उनके लिए ओएआर का होना जरूरी है। तो क्या उसने आपको बता नहीं दिया था क्या आपके पास ओएआर की वैल्यूज क्या हैं? तो अगर यहां पर देखें तो ओएआर की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही थी, ये देखें 1800 पर यूनिट एंड, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय शाइन के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 100,000, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, तो वैल्यू देखो ये ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 चल रही होगी, ये देखो 180 मिलियन। इसी तरह से 1700 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, तो जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, गॉट इट। अच्छा अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 180 हमने चार्ज किया, 175, सॉरी एक्चुअल ये वाली है, एक्चुअल है 175, हमने चार्ज किया 180 ओवर एब्जॉर्ब ऑफ 5000। इसी तरह जब इधर गए, एक्चुअल थे 105, हमने चार्ज किया 102, तो अंडर एब्जॉर्ब ऑफ 3000। ओके क्वेश्चन क्लियर, कोई इशू, कोई बात पूछनी हो आपने? एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 की रिक्वायरमेंट्स में भी कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा एंड बीटा, मतलब इसके लिए भी सबसे पहले डिपार्टमेंटल वाइज चलेंगे, जब डिपार्टमेंटल वाइज आ जाएंगे तो उनको प्रोडक्ट वाइज लेके जाएंगे, उसके बाद मेक जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड। तो जर्नल एंट्री बताने के लिए भी तो पहले अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड का होना जरूरी है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें गिवन है, ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा, दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस थ्रू फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। तो मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट है। OIL एलोकेट्स प्रोडक्शन ओवरहेड टू अल्फा एंड बीटा एट प्री डिटरमिन रेट ऑफ 1300 एंड 500 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था, शाइन के लिए और ग्लो के लिए पर यूनिट के हिसाब से रेट उसने खुद ही बता दिया, यहाँ पर भी प्री डिटरमिन रेट उसने खुद ही हमें बता दिया। उसके बाद कहते हैं एनी अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड एडजस्ट टू, तो अभी हमें पता चल गया हमने जो जर्नल एंट्रीज बताना बनानी है उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। फॉलोइंग एक्चुअल डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ओआईएल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर्स रुपीज इन 1000, इनडायरेक्ट लेबर है तो एफएच का पार्ट बनेगी, ऑलरेडी एलोकेटेड है। फिर फैक्ट्री रेंट इन रुपीज 1000, पावर डेप्रिसिएशन
प्लांट की है, तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अदर इंफॉर्मेशन की बने बेस क्या बन सकती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गई अदर इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ प्लांट चली जाएगी। फिर फ्लोर एरिया स्क्वेयर फीट, फैक्ट्री रेंट या फ्लोर एरिया के मुताबिक चला जाएगा। फिर पावर किलोवाट पर और केडब्ल्यूएच किलोवाट पर और, तो ये हमारे पास पावर के लिए चला जाएगा। फिर और वर्क फॉर एल्फा के हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एल्फा के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैब्रिकेशन ने 70% अपना जितना भी उसका टोटल टाइम था ना, अपने टोटल टाइम का 70% फैब्रिकेशन ने प्रोडक्ट ए के ऊपर लगाया, एल्फा के ऊपर लगाया। और अपने टोटल टाइम का फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने 60% एल्फा के ऊपर लगाया। देखो एल्फा के ऊपर टोटल 100% टाइम लगना था, बीटा के ऊपर भी टोटल 100% टाइम लगना था, लेकिन उस 100% टाइम का 70% फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। ओके अच्छा, और इसी तरह से फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के पास टोटल 100% टाइम है, उसका 70% उसने चार्ज करवाया और अपना रिमेनिंग 30% उसने बेटा के ऊपर लगा दिया। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास भी टोटल 100% टाइम था, उसका 60% उसने दिया अल्फा को और 40% दिया, तो अपना उसने 100% पूरा कर दिया। मतलब अल्फा को बनने में ज्यादा टाइम चाहिए, ओके, और बीटा को बनने में इतना टाइम हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो सर्विसेज डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया, तो फिर वही सिचुएशन है कि आप अगर गौर से देखें तो क्वालिटी डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, जबकि जो लॉजिस्टिक्स हैं वो क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहे हैं। पहले आप लॉजिस्टिक को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप लोगों ने क्वालिटी डिपार्टमेंट को सॉल्व करना है। ऑलराइट, एंड पे कहते हैं 800 यूनिट्स ऑफ अल्फा, 10,000 यूनिट्स ऑफ बीटा वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली बिल्कुल इजी था, क्योंकि अब अच्छी खासी आप लोगों ने वर्किंग वगैरह कर ली थी। सबसे पहले आप लोग अपने पास ओवरहेड की शीट बनाते डिपार्टमेंटल वाइज, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इन चीजों को कहीं पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहां पर डिपार्टमेंट आपने अपने टोटल ओवरहेड्स देख लिए, तो फैब्रिकेशन को चार्ज करोगे 9334, फिनिशिंग को चार्ज करोगे 6466, ऐसे ही है ना। अच्छा फिर अगर आप लोग देखें, अब हम लोग आएंगे प्रोडक्ट वाइज। जैसे ही प्रोडक्ट वाइज आए ना, तो प्रोडक्ट्स में डिपार्टमेंट से लेकर आओ, जब डिपार्टमेंट से लेकर आओगे अब आप लोगों ने उसके टाइम के मुताबिक लेकर आना है, अकॉर्डिंग टू टाइम, वो जो आपको बताया गया था कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना टाइम कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है। तो अगर आप लोग देखें तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैब्रिकेशन है ना, ये 70% टाइम दे रहा है अल्फा को, तो इसके ओवरहेड का भी तो 70% अल्फा को चार्ज होना चाहिए। 30% टाइम दे रहा है बीटा को, तो इसके टोटल ओवरहेड का 30% किसको चार्ज होना चाहिए? बेटा यही बात है कि हम लोगों ने देखा इसके टोटल ओवरहेड बनते कितने हैं, इसका 70% हम लोग दे देंगे अल्फा को 6534 और 30% दे देंगे बेटा। ऑलराइट, सेम केस विद फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट अपने टोटल टाइम का 60% अल्फा को देता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड कितने आ गए? 6466, इसका 60% 3880 और इसका 40%, तो आपके पास अल्फा के ओवरहेड बनेंगे 10,414 और बीटा के ओवरहेड्स बनेंगे 53, ये इनके एक्चुअल ओवरहेड्स। ये बात क्लियर? अब आपने देखना है अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब, एक्चुअल का पता चल गया। अब आप लोग देखोगे आपके पास अप्लाइड ओवरहेड कितने आएंगे, तो उसके लिए उसने क्या कहा था कि अल्फा के लिए आप लोगों ने लेना है रेट, प्री डिटरमिन रेट ऑफ 1300 पर यूनिट। तो अल्फा के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000, तो 1300 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 8,000, अल्फा के 1300 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, ये देखें ये आ गया 10400। इन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया, अच्छा, टोटल के लिए कर दिया के एक्चुअल इन टोटल हमारे पास ये आ गए।
अब उन्होंने एब्सॉर्ड को फाइंड किया, तो एब्सॉर्ड इस तरह से फाइंड होगा 1300 मल्टीप्लाइड बाय 8000 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 10000, जी आ जाएंगे जी। टोटल कितना हो गया? 1540000। ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 हम लोग वैसे ही लेके चलते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अलग अलग प्रोडक्ट का फाइंड करना, तो वो भी कर सकते थे हम लोग कि अगर इन दोनों का 1300 मल्टीप्लाइड बाई 8 104, इसी तरह 500 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये देखिए 5000। अब यहां से आप लोग देखो, ये एक्चुअल है, ये एब्जॉर्ब है, 10414 एक्चुअल, एब्जॉर्ब है 400, अंडर अंडर एब्जॉर्ब 14 का। और यहां पर देखो 5386 एक्चुअल, हमने 5000 चार्ज किया, तो ये भी अंडर एब्जॉर्ब है 386 का। टोटल यहां पर देखो, ये टोटल कितना बन गया? 400 का अंडर एब्जॉर्ब है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, आप देखो, उसने जर्नल एंट्री जो मांगी थी वो आप लोगों से मांगी थी, उसने इसकी और इसकी। अब इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था, जब हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा FOH, मैंने आपसे कहा था एक्चुअल यहां पर आएंगे, एक्चुअल, और एक्चुअल कितने हैं? 15800। ऑलराइट, एब्जॉर्ब्ड इधर आते हैं, और एब्जॉर्ब्ड कितने हैं? 15400 अंडर एब्जॉर्ब है, तो यहां पर अंडर एब्जॉर्ब आएगा, और ये चार्ज करना है किसको? और ये जो एब्जॉर्ब होते हैं किसके पास जाते हैं? वर्क इन प्रोसेस के पास जाते हैं, क्लियर। और ये जो एक्चुअल हैं, ये पे हो चुके होते हैं, तो इनके साथ क्या लिखा जाता है? ओके, अब जर्नल एंट्रीज, जो हमारे पास एब्जॉर्ब ओवरहेड हैं, इनकी जर्नल एंट्री देखो क्या बन रही है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड FOH 5 रुपीज 1544। अब अंडर एब्जॉर्ब है, इसी साइड पे मौजूद है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और FOH क्रेडिट। अगर ओवर एब्जॉर्ब होते हैं तो इस साइड पे मौजूद होते, क्लियर। ये आपके पास जर्नल एंट्रीज आ गई। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी, दोनों जर्नल एंट्रीज। किसी को इशू? अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेंसेस उसने खुद ही एलोकेट करके दे दिए, कुछ के लिए उसने आप लोगों को ये बेसिस बता दी है, लेकिन साथ में कहते हैं कंप्यूट अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीनिंग असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। क्या चीज? OAR, डिपार्टमेंटल वाइज। तो मतलब सबसे पहले तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मेरे पास बजटेड ओवरहेड, इन टोटल ओवरहेड आ कितने रहे हैं, वो यार तो तब कैलकुलेट होगा ना। बिस्मिल्लाह, जल्दी करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एग्जाम्पल नंबर 7 जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व हो गई, डिस्कशन करें, कंप्यूट अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीनिंग असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जो डाटा आप लोगों के पास गिवन था, अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट्स एंड प्रोडक्ट्स कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, द कॉस्ट एंड रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। आपके पास मशीनिंग असेंबली फिनिशिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके लिए डायरेक्ट वेजेस की बात हो गई। अब हम लोगों ने ना OAR की कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट वेजेस को नहीं लेकर आना, अगर प्रोडक्ट कॉस्ट पूछता तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस भी लेकर आते। हाँ, इनडायरेक्ट वेजेस आएंगे और वो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं एज इट इज, आप लोगों ने लिख लेना था। फिर आपने डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं लेकर आना था, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो ऑलरेडी एलोकेटेड है,
अब बात आ जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, हमारे पास पावर, लीट एंड लाइट एंड हीट, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट। अब जब यहां पर वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, तो ये जो वेयर हाउस हम लोग रिज्यूम करते हैं फॉर रॉ मटेरियल, वेयर हाउस फॉर रॉ मटेरियल। तो फैक्ट्री का रेंट अगर है ना, तो वो आप लोगों का जा सकता है एरिया वाइज या इस तरह से जा सकता है, लेकिन वेयर हाउस एरिया वाइज नहीं जाएगा, फ्लोर एरिया के हिसाब से नहीं जाएगा, वो वेयर हाउस जस्ट फॉर रॉ मटेरियल है, तो उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट के मुताबिक लेकर जाएंगे। अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो मटेरियल की तो दो कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जब हमने मोस्टली बेस बनाना होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर लिया करते हैं, इनडायरेक्ट को हम लोग बेस नहीं बनाते। हाँ, अगर हमसे कह दे कि टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल लेबर कॉस्ट, तो फिर हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन साइलेंट हो और हम लोगों ने मटेरियल या वेजेस में से किसी को बेस बनाना हो, तो डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल को बनाया जाएगा। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट बेसिस गिवन है। कहते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास गिवन है, साथ में मशीन आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मौजूद है, फ्लोर एरिया मौजूद है एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट, कि अगर हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट ऑफ एसेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो तो फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये इस वजह से हमें बता दी गई। एंड पे कहते हैं 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स टाइम। अब यहां से हम लोगों ने ना मेंटेनेंस के टोटल ओवरहेड्स फाइंड कर लेने हैं, उन टोटल ओवरहेड्स का कहते हैं जो 80% है ना, वो डिपार्टमेंट्स का टाइम है, तो वो आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है और उसको इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, तो मशीन और उसके बेसिस के ऊपर लेकर जाएंगे। फिर कहता है वेयर एज जो रिमेनिंग अब 20% आपके पास ओवरहेड रह जाएंगे, वो जाते हैं इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो क्लीनिंग एक्सपेंसेस जब भी आते हैं ना, तो वो हमेशा फ्लोर एरिया के मुताबिक चलते हैं, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस जो आ रही है वो हमेशा फ्लोर एरिया के मुताबिक चलती है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में उसने जाकर आप लोगों को ये बेसिस बताई हैं। अब आपने क्या करना था यहाँ पर, सबसे पहले तो आपने इनकी बेसिस को डिटरमिन करना था। पावर के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास सूटेबल वेज कौन सी बन रही है, पावर है तो उसके लिए मशीन और, हाँ जी, लाइट एंड हीट है तो फ्लोर एरिया, अच्छा डेप्रिसिएशन है तो बेस्ट वैल्यू क्या बन रही है, बेस एनपीवी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंट एंड रेट्स हैं तो फिर फ्लोर एरिया के मुताबिक चले जाएंगे, और वेयर हाउसिंग कॉस्ट है तो डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग बेस बना देंगे। ऑलराइट, जब जी काम हो जाता है ना, तो फिर आपका क्वेश्चन इजी हो चुका है, मैं उसके बाद और कुछ भी नहीं रहता। हाँ, बेस गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब यहां पर देखें पावर को मशीन आवर्स के मुताबिक लेके चलना है, ये मशीन आवर्स मौजूद हैं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर हैं, टोटल 45,000 है, हमने एलोकेट करना है 465 को, तो हम लोग लेके चलेंगे 40 / 45 × 465 द आंसर इज 413 सेम 21 31, और ये कंप्लीट हो गए। फिर 46 को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, ये फ्लोर एरिया मौजूद है 2000 का, 1,004, 3 एंड 3, इन चारों का एलोकेट करेंगे तो यहां पर आएगा 23 77 7 जी। 108 को नेट बुक वैल्यू के मुताबिक, तो 20 / 35 × 108 62 25 9 12। फिर रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया, ये हमारे पास आ गया 114 का 57 जी, 23 17 17 17 जी, सब बच्चों को समझ आ रही होगी इन बातों की, इतना तो कर लिया होगा ना आप सबने जी। 98 ये डायरेक्ट मटेरियल के मुताबिक, और डायरेक्ट मटेरियल ये देखिए रहा 365 46 18 and 49। तो अब इसके लिए सबसे पहले 365 / 429
मल्टीप्लाइड बाय 98 इज इक्वल टू 83। नेक्स्ट ये हो गए। अब जैसे ही ये एलोकेशन हो जाती है तो अब करना था आपने इनका टोटल। अब इनके टोटल में आपने ये याद रखना है कि आपने ये वाली वैल्यूज ऐड नहीं करनी, साथ में आपने ये वाली वैल्यूज भी ऐड। अच्छा अब इनका टोटल करें तो मशीनिंग के पास आएगा 752, 134, तो 264। अब मेंटेनेंस बेसिकली आप लोगों के पास है आपका एक सर्विस डिपार्टमेंट, बाकी तीनों है आप लोगों के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा अब यहां पर आप लोग देखें तो इसने हमें बता दिया था कि जो ओ ए आर फाइंड करना है किस किस के लिए करना है। तो क्या यहां पर उसने मेंटेनेंस की बात की? तो वैसे यहीं से ही पता चल गया था कि मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके और सर्विस डिपार्टमेंट का ओ ए आर नहीं फाइंड होता, हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओ ए आर फाइंड होता है। तो हमने सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसने हमें यह बता दिया कि पहले तो हम लोग डायरेक्ट 264 को ही माइनस कर देते थे, अभी भी करना 264 का माइनस है, लेकिन फिर उसने ये कहा कि भाई 264 के ना टू पार्ट्स बनाओ, एक 80% पे दूसरा 20% पे। तो 264 का 80% हम लोगों ने लिया 211 और उसका 20% लिया 53। फिफ्टी 53। ये दो मरतबा इसकी एलोकेशन करनी है। अब इस 211 की जो एलोकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स करने हैं, और मशीन आवर्स आपके पास यहां पे मौजूद थे। अब आपने क्या करना था 40। अब देखिए मशीन आवर्स देखिए खुद सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे, अब यहां पर आप कर सकते थे कि 40 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 211, तो वैल्यू क्या आ रही है 188। हाँ जी 2 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 211। 14। ओके लेकिन जब यहां पे पहुंचे ना तो उसने कहा था क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया होती है। तो अब आपने देखना था उसका फ्लोर एरिया, ये फ्लोर एरिया आपके पास मौजूद है, लेकिन भाई ये अपने आप को चार्ज नहीं करवाएगा तो आपने इसको नहीं शामिल करना, तो आपका टोटल भी 2000 भी नहीं होता, आपका टोटल भी 1700 है। अब जब आप लोकेशन करने लगोगे तो आपने करना है 1000 डिवाइडेड बाय 1700 एंड मल्टीप्लाइड बाय 53, तो वैल्यू आएगी। तो बात समझ आई है सब बच्चों को? नेक्स्ट वन इज 13 एंड द लास्ट वन इज 9। अब देखें ये मेंटेनेंस वाले ओवरहेड खत्म हो गए, अब आपको मिलेंगे आपके प्रोडक्शन वाले ओवरहेड। अब आप लोगों ने इनको ऐड कर लेना है, इनको ऐड करें तो टोटल कितने बनते हैं आपके पास 971, 156, 163। अब देखें आपके पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से? मशीन, असेंबली, फिनिशिंग। भाई अब बेसिस नहीं बताई गई कि ओ आर की बेसिस क्या कर रखनी है, तो यहां पर हमने खुद से अज्यूम करना था कि इनके लिए बेस्ट बेस क्या हो सकती है। अब जो चीजें हमें गिवन थी तो क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं? नहीं, हो सकते थे अगर वो बता देता तो, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहां पर देखो फ्लोर एरिया ऐसी कोई चीज नहीं, मशीन के लिए बेस्ट बेस क्या बनेगी? मशीन आवर्स। तो टोटल मशीन आवर्स कितने हैं? तो अब आपने क्या करना है 971,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो आपके पास ये रेट आ जाएगा 24 समथिंग अगर कोई है तो, पर मशीन आवर। ऑलराइट। अच्छा इसी तरह असेंबली की बात करें तो भाई असेंबली के अंदर आप लोगों के पास लेबर काम कर रही होती है, इसके लिए बेस्ट बेस लेबर आवर्स बनते हैं। तो देखो असेंबली के टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, तो 156,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 90.5, 19.5। और आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी लेबर काम कर रही है तो उसके लिए हो सकता था लेबर आवर्स, और यहां पर आप जाके
163 डिवाइडेड बाय 16,000, तो ओके, लेकिन उसके साथ लिख देते पर लेबर और एंड पर मशीन और, क्लियर? और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, यही कुछ आ रहा था ना। ओके, अच्छा अब ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बड़ा इजीली हो जाना है, मतलब इसमें आप कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी होम असाइनमेंट है, और हमारी तरफ से ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।